आज का टॉपिक है इन्वेस्टमेंट इन फैंसी बर्ड फार्मिंग, और इसका मैं कंपैरिजन कर रहा हूँगा स्टॉक मार्केट एंड रियल एस्टेट के साथ। अच्छा, बहुत सारे लोगों के पास इन्वेस्टमेंट होती है लेकिन आइडिया नहीं होता कि हम लोग कहाँ इन्वेस्ट करें। तो आज के इंशाल्लाह इस टॉपिक के बाद आप लोगों का थोड़ा सा आइडिया क्लियर होगा, क्योंकि मैं फैंसी बर्ड फार्मिंग को प्रमोट कर रहा हूँ, तो फैंसी बर्ड्स फार्मिंग में हमें क्या फ़ायदा होगा वर्सेस अगर मैं स्टॉक में इन्वेस्ट करता हूँ सेम अमाउंट, और वही सेम अमाउंट अगर मैं रियल इस्टेट मार्केट में करता हूँ तो क्या रिटर्न मिलेगा, हम इसका कंपैरिजन करके देख लेते हैं। तो अज्यूम करते हैं कि मेरे पास 1 लाख रुपए हैं और मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। ये 3 ऑप्शंस हैं मेरे पास, स्टॉक, बर्ड्स एंड रियल इस्टेट। तो अगर मैं इस पर सबसे पहले अगर मैं स्टॉक मार्केट की बात करूँ, तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्योंकि अब बहुत ही हाई रिस्क होता है, ये जो मार्केट है स्टॉक मार्केट बहुत ही वॉलेटाइल है, तो बहुत ऊपर नीचे चल रही होती है, आप कुछ प्रिडिक्शन नहीं कर सकते कि क्या आज होगा कल होगा। तो 2008 में ये मार्केट क्रैश हुई थी, और उसके बाद फिर अभी 2017 के बाद जब से पॉलिटिकल सिचुएशन थोड़ी अनसर्टेन हुई थी, तो फिर से ये मार्केट जो है 17 के बाद 53,000 से गिर के ये मार्केट अभी पिछले 2-4 महीने में 32,000 पे आ गई थी, और करंटली भी अब ये थोड़ी सी रिकवर हुई है तो 40,000 के अराउंड चल रही है। जो गिरी थी तकरीबन 40%, अगर मैं स्टॉक मार्केट 100 इंडेक्स की बात करूँ तो 40% ये अपनी वैल्यू से गिरी थी जो कंपेयर करें 2017 से, और अभी भी तकरीबन 25% गिरी हुई है पिछले 3 साल में। और अगर मैं शेयर्स की बात करूं, तो अगर जो शेयर्स वैल्यू 2017 में या 18 में थी मार्केट में, अगर एक स्टॉक की कोई वैल्यू थी, तो वो स्टॉक्स जो हैं अगर वो कंपैरिजन किया जाए, देखा जाए, तो वो 50-70% लेस है। तो अभी तक लोगों के पैसे स्टॉक में डूबे हुए हैं, बहुत कम लोग होते हैं इस स्टॉक मार्केट में जो पैसे बना सकते हैं, वो बड़े माफिया हैं। आम बंदा इतनी छोटी सी इन्वेस्टमेंट लेके कोई ख़ास रिटर्न नहीं कमा सकता। जितने लोगों के पोर्टफोलियो हैं, आप लोग अपने जानने वालों से पता कर सकते हैं कि उनके पोर्टफोलियो का क्या हाल है। एक पोर्टफोलियो है फ्रेंड का, अगर वो इजाज़त देगा तो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ उसे स्क्रीन पर, कि अराउंड 3 लाख की उसकी इन्वेस्टमेंट थी, और अभी करंट सिनेरियो में आई गेस कोई 1 लाख की रह गई है। तो 300 से 1 लाख आप देख सकते हैं कितना अच्छा 50-60% उसकी जो है इन्वेस्टमेंट लॉस पे है। अच्छा, दूसरा इसमें रिस्क क्या आता है, इसमें रिस्क ये है कि आप पूरी फुल अथॉरिटी देते हो अपने मेंबर को कि वो आपके बिहाफ पे सेल परचेज कर सकता है, तो इसमें फ्रॉड के चांसेस भी होते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का चैलेंज रहता है कि यार हमारा पैसा 100% ना डूब जाए। दूसरा एक और मसला ये आता है कि हमारी कंट्री में लिटरेसी रेट जो है, लिटरेसी रेट बहुत ही लो है, तो हर बंदा इसमें स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि काफ़ी स्टडी करनी पड़ती है कंपनीज के बारे में, उनके बिजनेसेस के बारे में, फाइनेंशियल्स इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए आपके पास कि क्या ट्रेंड होगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन होती है तो फिर कंपनी के प्रॉफिट्स देखे जाते हैं। अच्छा, ये सारी चीज़ें देखने के बावजूद जो मार्केट परफॉर्म करती है वो एक अलग ही सिनेरियोज़ में परफॉर्म कर रही होती है, तो आपके जितने भी एनालिसिस हैं, जितनी भी प्रेडिक्शंस हैं, वो सारी एक साइड पर हो जाती है, और मार्केट में जो एक स्टॉक में माफिया बैठा हुआ है वो एक अलग ही किस्म का स्टॉक को चला रहा होता है। आपके ट्रेंड्स के हिसाब से, फॉर एग्जांपल, एक शेयर की फेयर प्राइस होनी चाहिए 200, और आप देखते हैं कि वो गिर के 30-40 रुपये पे आ जाता है, ठीक है, जस्ट बिकॉज पॉलिटिकल सिनेरियो और ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं। तो जितने एनालिसिस, फाइनेंशियल एनालिसिस हुए हुए होते हैं, उस पर भी कोई प्रेडिक्शन नहीं होती, तो बहुत ही हाई रिस्क है। अच्छा, इसमें हाई रिटर्न भी मिलता है, लेकिन वो आपकी किस्मत है, मतलब आम बंदे की किस्मत है कि कोई तुक्के पे किसी ने कोई सस्ते शेयर ख़रीदे थे और किसी माफिया ने उसको उठाना है तो वो उसके साथ उठ गया, तो उस बंदे की जान नहीं होगी। वैसे नॉर्मली ऐसा नहीं होता, नॉर्मली लोगों के पैसे डूबते ही हैं। तो अगर मैं कंपैरिजन करूं 2017 में अगर किसी बंदे ने 3 लाख रुपए लगाए थे, तो आज उसकी प्राइस 1 लाख हुई हुई है। अगर आज की बात करूं मैं कि 1 लाख रुपए मैं डालूं,
आप बिल्कुल इस वक्त डाले जा सकते हैं स्टॉक पे, क्योंकि स्टॉक बहुत गिरी हुई है, तो इंशाल्लाह ये उठेगी जैसे जैसे मुल्क के हालात बेहतर होंगे, तो इसमें प्रॉफिट आ सकता है। अगर मैं 3 साल के कंपैरिजन देखूं तो बुरा हाल है, नीचे ही आई हुई है मार्केट। अच्छा, दूसरी अगर मैं रियल इस्टेट की बात करूँ तो रियल इस्टेट में फ्रेंकली स्पीकिंग, इसमें 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि इसके लिए रियल इस्टेट पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपकी इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए। आई गेस कम से कम भी 5-10 लाख रुपए हों तो आपको प्लॉट कहीं मिलेगा, वो भी अभी अगर कराची की बात करें तो काफ़ी दूर इलाकों में मिलेगा, शहर में तो नहीं मिल सकता। अच्छा, इसमें चैलेंज क्या आता है? इसमें चैलेंज सबसे आम बंदे के लिए आता है कि यार डॉक्यूमेंट्स कैसे वेरीफाई करें और कहाँ से वेरीफाई करें, कैसे वेरीफाई करें, क्या तरीक़ेकार है, ये आम लोगों को नहीं पता होता। प्लस सारी चीज़ें करने के बाद आप किसी एक प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसमें भी बड़ा रिस्क होता है कि कोई बाद में कब्ज़ा कर लेता है, अगर आप नहीं जाते वहाँ पे तो कोई कब्ज़ा कर लेता है, आपके पास इतने पैसे नहीं होते कि आप बाउंड्री वॉल या कब्ज़ा करें, अपन मतलब अपना कब्ज़ा खुद लें, तो फिर हमेशा वो जो आपकी प्रॉपर्टी है वो रिस्क पर रहती है। अच्छा, और अगर पिछले 3 साल में देखा जाए रियल इस्टेट को, तो इस लास्ट ईयर 1.5 साल से तो ये रियल इस्टेट में भी कोई ख़ास काम नहीं हो रहा, क्योंकि गवर्नमेंट ने इतनी टैक्सेस लगाए थे, बहुत रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज हुए थे, 40,000 के बॉन्ड बंद हुए हैं, तो तब से क्योंकि रियल इस्टेट में ज़्यादातर ब्लैक मनी वाइट हो रहा होता था, तो ये सारी चीज़ें, उसकी एक्टिविटी ट्रेडिंग बहुत ही स्लो हो गई है या ना होने के बराबर है। इसमें कोई ग्रोथ कोई ख़ास नहीं है, जो चीज़ जिसने 2-2.5 साल पहले ली थी वो उससे नीचे ही है या उतनी ही है, कोई ख़ास प्रॉफिट नहीं हुआ है लोगों को। अब पास्ट में इसमें बिल्कुल प्रॉफिट होता था, तीन अगर ये मैं ती पिछले 5 साल में देखूं तो शुरू के 2-3 साल जो हैं, 5 साल अगर हम 2014 के बाद देखें तो ये मार्केट बहुत उठी थी और कोई 300-400% इसमें जो है ग्रोथ आई थी, और कीमतें लोगों की इतनी इतनी डबल हो गई थी तकरीबन, जो भी ज़मीनें ली थी अगर लिए थे। उसके बाद फिर ये अभी पिछले 2 साल से तो इसका बुरा हाल है। और रेंट की बात की जाए तो हाँ, रेंट इंक्रीज़ हुए हैं, अगर किसी बंदे ने कोई ऐसी प्रॉपर्टी ली है जिस पर रेंट मिल सकता है, फ्लैट या गोडाम है, गोडाउन है या कोई दुकानें हैं, तो उसमें रेंट में प्रॉफिट मिला है लोगों को, क्योंकि रेंट काफ़ी इंक्रीज़ हो गए। लेकिन अगर मैं महीने के 15,000 रुपये रेंट भी अगर मैं लेना चाहूँ रियल इस्टेट से, कि मुझे महीने की इनकम 15,000 हो जाए, तो मुझे कम से कम भी 30 से 35 लाख रुपए की कोई दुकान मिलेगी या कोई घर घर मुश्किल ही मिले, वैसे शहर में शायद किसी कॉलोनी में, छोटी कॉलोनी में मिल जाए 35-40 लाख में, मतलब कम से कम भी 30-40 लाख रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, तो मेरी इनकम कितनी जनरेट होगी पर मंथ? 15,000 या हार्डली 10,000, 10 to 15,000 कह लें, 10 to 15,000 अगर मैं मंथली कमाना चाहता हूँ रियल इस्टेट से, तो मुझे इतनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। अच्छा, अगर बात की जाए कि यही अमाउंट 1-2 लाख रुपए अगर मैं इन्वेस्ट करूं फैंसी बर्ड्स फार्मिंग में, तो फिर मेरे पास क्या रिजल्ट आएगा? तो अब मैं अगर फॉर एग्जांपल बात करता हूं कि मैं 2 अप्लाइंस के पेयर ले लेता हूं, ग्रीन अप्लाइन 1 लाख रुपए में आ जाएंगे, अगर 2 लाख इन्वेस्ट करूं तो 4 ग्रीन अप्लाइंस के पेयर आ जाएंगे मेरे पास, और मैं उनसे 4-5 महीने में बड़े हो जाएंगे, और उसके बाद मैं इनकी ब्रीड करवाऊँ तो 3 साल के बाद जो रिज़ल्ट आएगा वो अमेजिंग होगा। मतलब 4 पेयर से मैं 800 पेयर बना सकता हूँ, एक पेयर से हम 200 पेयर बना सकते हैं। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, इस बेल आइकन पे यहाँ पे मैं आपको दे दूँगा, इसका आई बटन पे आप लोग देख लीजिएगा कि एक पेयर से हम कैसे 200 पेयर बना सकते हैं। तो आप इमेजिन करें कि ग्रीन ओपलाइन आज भी 40,000-50,000 का इजीली मिल जाता है, और ये 2015 में आई गेस आया था और आज भी इसकी तकरीबन 40,000 का पेयर है, तो 3 साल के बाद अगर ये गिर गिर के 20,000 पे भी अगर एक पेयर आ जाता है, आप 10,000 रुपये का भी बच्चा बेचते हैं या लेट सपोज़ 15,000 रुपये का भी पेयर बेचेंगे, तो 3 साल के बाद आपके पास क्वांटिटी कितनी होगी? मतलब आप खुद ही मल्टीप्लाई कर दें, अगर एक बच्चा आप 5,000 का भी बेचेंगे तो आप मल्टीप्लाई कर दें तकरीबन 800 पेयर्स के साथ, कि 800 पेयर जो ब्रीड कर रहा होगा आपके पास, और 5,000 रुपये का भी एक बच्चा बेचेंगे ग्रीन ओपलाइन का,
तो आपके पास ह्यूज प्रॉफिट्स होंगे, ह्यूज मतलब कोई 1000% या 2000% का प्रॉफिट होगा आपकी जस्ट ये अभी की 2 लाख या लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट के ऊपर। अच्छा, क्योंकि मैं 3 साल का ट्रेंड के ऊपर एनालिसिस कर रहा हूँ, तो मेरा पर्सनल एनालिसिस ये है कि इस आप देखें 3 साल पहले इस बर्ड्स फार्मिंग में लोगों कौन लोग थे, और आज बड़े बड़े नाम हैं। 3 साल पिछले 3 साल में इनका नामो निशान भी नहीं था। मैं चंद नाम ले लेता हूँ इस वीडियो में। नंबर 1 पे नवीद शेख साहब। नवीद शेख साहब के अगर आप 3 साल पहले की हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो नो बडी नोज के कौन नवीद शेख साहब हैं, लेकिन आज माशाल्लाह ही इज़ मेकिंग अ वेरी गुड अर्निंग फ्रॉम दिस बिजनेस। अच्छा, दूसरा नाम डॉक्टर सऊद साहब। डॉक्टर सऊद साहब बिल्कुल बहुत पूरी ज़िंदगी लगाई है उन्होंने काम करने में, लेकिन पिछले 3 साल में अगर मैं देखूँ तो 3 साल पहले शायद मैं भी नहीं जानता था कि डॉक्टर सऊद कौन है, और आज मेरे बहुत अच्छे उस्तादों में से एक हैं और बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, बड़े भाइयों की तरह हैं, बहुत अच्छी गाइडेंस देते हैं। तो डॉक्टर सऊद हो गए, नवीद शेख साहब हो गए, यासिर खान रोकड़ी साहब, मतलब उन्होंने तो 2016 में ये काम शुरू किया है और आज माशाल्लाह किस मुकाम पे बैठे हुए हैं। इसी तरह मतलब आप देखें, खुद से देखें कितने लोग हैं जो इस बिज़नेस में बर्ड्स चाम के चैनल से हैं। हमारी बहन है एक, आप वो देखें, मतलब फीमेल्स ये घर पे बैठे बापर्दा हो के ये काम इजीली कर सकती हैं। इतना प्रॉफिटेबल काम है, रिस्पेक्टेबल काम है। मतलब 3 साल में देखें कुछ लोगों के नामों निशान नहीं थे और आज कहाँ पे वो लोग किस मुकाम पे पहुँचे हुए हैं। तो सब इस बर्ड फैंसी बर्ड्स फार्मिंग से, ठीक है, बहुत अभी तो, और वो इस बिज़नेस को और ग्रो कर रहे हैं। जैसे अब स्कूलिंग भी हो रही है इसकी प्रॉपर, यूट्यूब पे वीडियोस आ रही हैं, तो बहुत आसान हो गया। मतलब कोई ऐसा काम इस वक्त नहीं है दुनिया में जो कोई बंदा करना चाहे और वो ना कर सके। मेहनत करनी पड़ती है, लर्निंग करनी पड़ती है। अगर हम हाथ पे हाथ रख के बैठेंगे तो कोई आके खुद से निवाला तो मुंह में नहीं डालेगा। अगर आपने बर्ड्स ब्रीडिंग करानी है तो कोई आपको बर्ड ब्रीड करके तो नहीं देगा, आपने खुद करनी है। खुद भी क्या करनी है यार, अल्लाह का निज़ाम है, बर्ड्स ने आपने सिर्फ देखभाल करनी है, ब्रीडिंग तो ऑटोमेटिकली होनी है। आपने अपनी स्किल्स यूज़ करनी है थोड़ी सी उसको मार्केट करने में, उसको सेल करने में, बाकी तो सारा काम उन लोगों ने खुद ही करना है, कुदरत ने करना है सारा काम। इतना मतलब मज़ेदार काम है। दूसरा इसके बेनिफिट ये है कि आपकी हॉबी भी साथ साथ चल रही होती है, आप मेंटल स्ट्रेस में नहीं रहते। तीसरा फ़ायदा इसका ये है कि ये बहुत ही मिनिमम टाइम चाहिए होता है आपको देखभाल करने के लिए, और 15-20 पेयर लोग सुबह को 10-15 मिनट दे के ईजीली संभाल सकते हैं। ऑफिस के साथ भी ये काम किया जा सकता है, साइड बिजनेस का बिजनेस है, हॉबी की हॉबी है। लोग इतना मेंटल स्ट्रेस में, स्ट्रेस रिलीज़ होता है बर्ड्स को देख के। फिर जो ये लव बर्ड्स हैं ख़ास तौर पे, इसमें बड़े मल्टीपल म्यूटेशंस में मल्टीपल कलर्स निकलते हैं, तो आपको बड़ी क्यूरियोसिटी होती है कि यार अब नेक्स्ट क्या निकलने वाला है। तो अब बनिस्बत दूसरे पैरट्स के तो बड़े मज़ेदार आपको प्रोग्रेस नज़र आ रही होती है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग रहता है ये काम। बाकी अगर इकोनॉमी की हालत देखी जाए इस वक्त, तो हर बंदा परेशान है क्योंकि लोगों की सैलरीज़ नहीं बढ़ी इस साल, कंपनीज़ ने लॉसेस किए हैं, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ निकाले हैं। तो ये इधर इन्वेस्ट, छोटी सी अमाउंट इन्वेस्ट करके बंदा अपने बहुत सारे ख्वाहिशात पूरी कर सकता है, जो नॉर्मल इनकम जो सैलरी पे मिल रही है, अगर एवरेज इनकम देखी जाए तो 35 से 50 हज़ार रुपये की इनकम है लोगों की, और इधर आप लाख सवा लाख रुपए लगा के महीने के 35-40 हज़ार रुपये कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि यार हमें इतनी इनकम मिल जाए कि यार मैं महीने के 30 हज़ार रुपये कमा लूँ, 25 हज़ार रुपये कमा लूँ। तो भाइयों बढ़िया इजी है, इसके साथ 50-60 हज़ार रुपये लगाएं, आप लाख रुपए लगाएं और महीने के अगले साल से, लेकिन वेट करना है, ऐसा नहीं है ओवरनाइट कुछ भी नहीं मिलता। मतलब सक्सेस ऐसी नहीं है कि आपने आज लगाया और कल जो है बच्चा बड़ा होके जो है अंडे बच्चे कर लेगा और परसों आप पैसे कमा लेंगे, ऐसा नहीं है इस बिज़नेस में। थोड़ा वेट करना पड़ता है, इनका ख्याल रखना पड़ता है। आप 6 से 8 महीने का टाइम अपने माइंड में रखें कि यार 6 से 8 महीने या साल आपने इनको पालना है पट्ठे लेके, और उसके बाद साल बाद इंशाल्लाह जो रिजल्ट्स आएंगे वो अमेजिंग होंगे। रिजल्ट्स जो आपके रिटर्न मिलेंगे आपकी सोच से कहीं ज़्यादा होंगे इंशाल्लाह रिटर्न्स। तो सब्र के साथ अल्लाह पे तवक्कल करके आप ये काम शुरू करें, इंशाल्लाह बहुत बरकत होगी इसमें।
अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। कमेंट्स करके बताएं कि आप लोगों को कैसी लग रही है मेरी वीडियोस, वो थोड़ी मोटिवेशन हो जाती है उसमें आगे काम करने में। कुछ नया टॉपिक आप लोगों के जहनों में सवाल आते हैं तो वो भी कर सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।